मुझे माफ करना, मुझे हमारी पिकनिक के चक्कर में वक्त का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं रहा। पर इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। रात में जंगल वैसा ही होता है जैसे दिन में होता है। बस थोड़ा अंधेरा होता है, फिर भी हमें जल्दी से घर पहुंचना चाहिए। डरने वाली कोई बात नहीं है, कोई वजह। आसान है, तुम तो हर चीज से डरती हो। ये सच नहीं है। जो है स्ट्रॉन्ग भी शेयरिंग काइंडनेस है इजी और मैजिक से ही जिंदगी मेरी दोस्ती ये दोस्ती है पक्की। मेरा मतलब तुम्हें ये अच्छा कैसे नहीं लग सकता? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि डरने में कोई मजे वाली बात है। मुझे लगता है तुम्हारा दिल दौड़ने लगता है, तुम्हारे हूफ्स कांपने लगते हैं और मुंह सूख जाता है। मुझे ये वाला हिस्सा पसंद नहीं, पर बाकी सब मस्त है। देखा, हर पोनी को शरारत पसंद है, मजाक ही तो है। सुनो रेनबो डैश, मुझे नहीं लगता कि फ्लटरशाई ने हम सबको बुलाया होता अगर उसे तुम्हारी शरारत मजेदार लगती। हर पोनी की अपनी पसंद नापसंद होती है। और फ्लटरशाई को डराना आलसियों का काम है। आलसी? अगर आप इकलौते पोनी हो जो हंस रहे हो तो वो प्रैंक अच्छा नहीं होगा। पर तब क्या जब वो बहुत 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 फनी हो? और मैं तो हूँ ही फनी। मैं जानती हूँ तुम कर सकती हो, बस तुम्हारा फनी आइडिया उस पोनी के साथ मैच होना चाहिए जिसके साथ प्रैंक कर रही हो। इस तरह से बिल्कुल भी नहीं। हाँ, एक वूपी कुशन बस एक जोक शॉर्टकट है। क्या सच में रेनबो डैश, अगर तुम एक ऐसा मजाक करने में मेहनत नहीं कर सकती जिससे सब पोनीज को मजे आए, तो फिर तुम्हें मजाक नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर तुम पोनीज को मेहनत चाहिए तो फिर ऐसा ही होगा। मुझे नहीं लगता उसे हमारी बात समझ में आई। मैं जानती हूँ कि तुम फिली गाइड कुकी को लेकर एक्साइटेड हो, पर मुझे अभी भी तुम्हारी यूनिफॉर्म को कुछ फिनिशिंग टचेस देने हैं। बुरा नहीं है। हाँ, तुम्हीने कहा था। इसका क्या मतलब हुआ? मेरे ख्याल से ये रेनबो डैश की कोई शरारत है। मतलब उसने तुम्हारी फिली गाइड यूनिफॉर्म को वहाँ ऊपर फंसाने के लिए बूबी ट्रैप लगाए होंगे। तो उसे नीचे कैसे उतारेंगे? हम नहीं उतारेंगे। अगर उसे लगता है कि मैं उसकी चाल में फंस जाऊंगी तो उसे पता नहीं कि मैं कौन हूँ। इस यूनिफॉर्म की जैसी और यूनिफॉर्म बनाई जा सकती है। सिलाई मशीन वाला केक असल केक से ज्यादा अच्छा है। रेनबो डैश डरा दिया। मेरी मेहनत कैसी लगी तुम्हें? ये सब क्या है एप्पल जैक? मुझे लगा था तुम फिली गाइड कुकी ड्राइव की तैयारी में मेरी मदद करोगी। हाँ, उसके लिए माफ करना,
पर रेनबो डैश के सर पर प्रैंक्स का भूत सवार है और उससे बचना बहुत मुश्किल है। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि डैश नींद में तुम्हारे साथ प्रैंक करेगी? मेरे होते हुए वो कामयाब नहीं हो पाएगी। सुबह मिलता है शुगर क्यूब। क्या मैं अभी भी तुम्हें आलसी लगती हूँ? डरा दिया ना? रेनबो डैश! तुम्हारी मदद चाहिए। ओके। किस काम में? क्या तुम सच में यहाँ खड़ी होकर हमें ये बताना चाहती हो कि तुम्हें रेनबो डैश के मजाक के बारे में कुछ नहीं पता? अरे नहीं, उसने तो धमाल मचा रखा है। क्या उसने तुम्हें भी फंसाया? हाँ, उसने और गमी दोनों ने मिलकर। बू। वो बहुत ही अच्छा था। वेल, उसे बंद करना होगा। बंद? पर मजाक तो मजेदार होता है। सब पोनीज के लिए नहीं, और ऐसा लगता नहीं है कि डैश ये जानने की कोशिश भी करी है कि किसे उसका प्रैंक पसंद है और किसे नहीं है। हाँ, तो सही है ट्वाइलाइट। क्योंकि तुम और रेनबो डैश दोनों को ही मजाक इतना पसंद है, हमें लगता है कि शायद तुम उसे मना पाओ ये सब बंद करने के लिए। मुझे तुम्हें बहुत ही जरूरी बात बतानी है। पिंकी, सुनो, मुझे तुम्हें अभी इसी वक्त बहुत जरूरी बात बतानी है। सच में? ओह, पहले तुम बताओ। ठीक है, तुम जानती हो ना मैं हरपोनी के साथ प्रैंक कर रही हूँ। हाँ, ये बहुत मजेदार था। मेरा मतलब, दरअसल मुझे तुमसे उसी के बारे में बात करनी है। ये लो, कुकी खाओ। ओह, थैंक्स। तो मैं सोच रही थी कि एक एक पोनी के साथ प्रैंक करने में वक्त बर्बाद क्यों करना, जब मैं सब पोनीज को एक साथ प्रैंक कर सकती हूँ। वाव, सब पोनीज एक साथ, ये तो बहुत ही शानदार। रुको, मेरा मतलब ऐसा नहीं है। तुम्हें तो पता भी नहीं कि ये क्या है। पिंकी, ये आज तक का सबसे अच्छा प्रैंक होने वाला है। मैंने स्पेशल ऑर्डर करके ये जो कुकीज मंगवाई है ताकि इसके कलर्स मेरे बालों से मैच हो। और मैं इन्हें फिली गाइड कुकीज की जगह रखने वाली हूँ। जब स्कूटलू और उनके दोस्त इन्हें बेचेंगे तो शहर की सब पोनीज के मुंह रेनबो जैसे हो जाएंगे, रेनबो डैश की वजह से। इसमें बहुत मजा आएगा, सच में बहुत मजा। पता नहीं, मेरा मतलब ये सच में इतना मजेदार नहीं लग रहा। क्या? अब तुम्हें कुछ वक्त के लिए मजाक करना बंद कर देना चाहिए शहर की बाकी पोनीज को। चुप हो जाओ। बिल्कुल नहीं, ये प्रैंक होकर रहेगा पिंकी, और ये होने वाला है बहुत ही मजेदार। पिंकी, हमने क्या तय किया था? मैंने कहा था ना कि मुझे फिली गाइड कुकीज की जगह जो कुकीज रखने में तुम्हारी मदद चाहिए।
पर जब तुम वहाँ नहीं आई तो मुझे सब खुद ही करना पड़ा। पिंकी वाह, तुम्हारा चेहरा अभी भी रेनबो जैसा ही है। हाँ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही और सिर्फ इन मजाक कुकीज को खाने से ही मुझे अच्छा महसूस होता है। तुम्हारे पास कुछ और कुकीज है क्या? नहीं, मैंने अभी तो तुम्हें बताया, वो सब प्रैंक के लिए इस्तेमाल कर ली। जल्द ही क्रूसेडर्स उन कुकीज को पूरे शहर को बेचना शुरू कर देंगी। पोनीज अपने बॉक्सेस खोलेंगे और उन्हें खाएंगी, फिर उन सबके दांत रेनबो जैसे हो जाएंगे और उन्हें समझ में आ जाएगा ये मेरा काम है। ये बहुत ही ऑसम होने वाला है। चलो, तुम इसे मिस नहीं कर सकती। मुझे नहीं लगता कि मैं खड़ी भी हो पाऊंगी अगर तुम्हारे पास और कुकीज ना हो तो। समझ गई, मेरे ख्याल से तुम्हें शायद यहीं रहकर आराम करना चाहिए। हाँ, तुमने सही कहा, माफ करना मैं ये मिस कर दूंगी, मुझे यकीन है ये मजेदार होगा। अच्छा तो कुकीज बेचने के लिए कौन तैयार है? मैं। इधर देखो रेनबो डैश, तुमने स्कूटलू से मदद करने का वादा किया है, पर मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा कोई भी प्रैंक इन फ्लीज की शाम बर्बाद करे। देखो, मैं पूरी शाम तुम्हारे ही साथ रहने वाली हूँ, तो मुझ पर कड़ी नजर रखना। Come on, Applejack, शुरू करते हैं। हाँ, हमें बहुत सारी जगह जाना है। हम पोनीविल के हर घर में जाना चाहते हैं। चलो, तुमने सुना ना, पोनीविल के हर एक घर में। मेरे ख्याल से तुम तीनों को खुद पर नाज होना चाहिए, तुमने पहले राउंड में ही काफी अच्छा काम किया है। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली एप्पलजैक। क्यों, सही है ना रेनबो डैश? अब किसी भी वक्त बस किसी भी वक्त मतलब क्या? कुछ नहीं, क्या तुमने ध्यान दिया सब कुछ कितना शांत हो गया है? मेरा मतलब अभी तो ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ। बेशक सब शांत है, पोनी सुन लाजवाब कुकीज को खाते हुए बात नहीं कर सकती। तुम्हें ऐसा लगता है? बेशक, वो सब तो शायद इस वक्त कुकी कोमा में चली गई होंगी। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो, मैं जाकर देखती हूँ। अंदर चल क्या रहा है? ओके, पक्का सब कुकीज खा रहे हैं, पर सब पोनीज है कहाँ? अब तक तो उन्होंने जरूर अपने रेनबो वाले मुंह देख लिए होंगे, इस वक्त तो उन्हें सड़क पर भागते हुए दिखना चाहिए था। शायद सब पोनीज जल्दी सोने चली गई होंगी। पिंकी, पूरे शहर को कुकीज मिल गई हैं और सब पोनीज अपने घरों में बंद होकर बैठी हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मेरी जोक कुकीज में कुछ गड़बड़ हो गई है? मिसेस केक, क्या आपने पिंकी को देखा है? मुझे लगता है कि उसकी तबीयत खराब होने में मेरा हाथ है। मिसेस केक, कुकीज, मैं देख रही हूँ कि आप बिजी हैं। कुकीज,
परेशानी नहीं है? ओ, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है गर्ल्स को उनकी मेहनत के लिए कुछ तो इनाम मिलना ही चाहिए। और मेरे पास बहुत सारा स्विंग मशीन केक भी बचा है, सिवाय अगर किसी पोनी को कुकीज चाहिए। इन्हें हाथ मत लगाना। ओ, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, सबके लिए बहुत सारी कुकीज हैं। चलो सभी, हमें यहाँ से निकलना होगा। तुम ये क्या बकवास किए जा रही हो? समझाने का वक्त नहीं है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। रेनबो डैश, अगर तुम्हें ये सारी कुकीज चाहिए तो तुम्हें इन्हें खरीदना होगा, बाकी सब पोनीज की तरह। मुझे कुकीज नहीं चाहिए। कुकीज चाहिए। ये क्या हो रहा है? बातें समझाती हूँ, चलो अभी। हमें छुपने की कोई जगह ढूंढनी होगी। कुकीज इस तरफ। पीछे रह गए। हम पोनीविल के पोनी से भाग क्यों रहे हैं? हमारे सब दोस्तों को क्या हुआ? शायद इन कुकीज में कुछ है। ये क्या बकवास है? फिली गाइड कुकी सालों से नहीं बदली है। ऐसा तो नहीं कि इनमें किसी नए इंग्रेडिएंट की वजह से सारी पोनीज कुकी खाने वाले ज़ॉम्बीज बन गई हैं? शायद कुछ ऐसा ही है। तुम ये क्या कह रही हो? तुमने क्या किया? सुनो, मैंने फिली गाइड कुकीज को अपनी जॉब कुकीज से बदल दिया था, जिससे सब पोनीज के मुंह रेनबो जैसे हो गए, पर किसी वजह से इसने सब पोनीज को माइंडलेस कुकी खाने वाले ज़ॉम्बीज में बदल दिया। मुझे लगता है जब तक इसका असर खत्म नहीं हो जाता, तब तक हमें यहीं छिपकर रहना होगा और ध्यान रखना होगा कि कोई और इन कुकीज को ना खाए। ये बहुत अच्छा है डार्लिंग, सिवाय एक चीज के, हम पहले ही इसे खा चुके हैं। लगता है तुम्हारा प्रैंक उल्टा पड़ गया। मजाकिया के साथ मजाक कर रहे हैं। हाँ, अपनी दवाई का स्वाद चक्कर कैसा लग रहा है? तो तुम सब
बीमार नहीं हो? कोई भी बीमार नहीं है? बिल्कुल नहीं सिली। बेवकूफ़ बनाया। ये सब बस एक प्रैंक था। यप, और उसके लिए पिंकी बाई का शुक्रिया। जब तुमने उसे पूरे शहर पे प्रैंक करने के प्लान के बारे में बताया, उसने सब पोनीज के साथ मिलकर तुम्हारी बाजी को पलटने का तरीका सोचा। हाँ जाने दो, ये तो कुछ नहीं था, बस मेरा एक छोटा सा आइडिया था। वाह, तुम्हें अपना फेस देखना चाहिए। इसे कहते हैं मजेदार। खैर, मुझे नहीं लगता कि ये मजेदार है। और मेरे साथ ही ये प्रैंक हुआ है। मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा मैंने सबको बीमार कर दिया है। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि जिसके साथ चाहो प्रैंक करो बिना ये सोचे कि उन्हें कैसा लगेगा। क्या उन्हें भी इसमें मजा आएगा या उन्हें ये फनी लगेगा? हाँ, अब मुझे सब समझ में आ गया। मजाक बहुत मजेदार हो सकते हैं अगर सब पोनीज को इसमें मजा आए। तुम्हें बस ये जानना जरूरी था कि ऐसा नहीं होता तो कैसा लगता। मेरे ख्याल से मैं समझ गई। I'm sorry everypony, मैं गलत थी, मैंने बाकी पोनीज के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। वह उम्मीद है तुमने सबक सीख लिया। बिल्कुल, तुम पोनीज ने बहुत ही अच्छा प्रैंक किया, मुझे इससे अच्छा करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। डरा दिया।